हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं बीजीय व्यंजक के गुणा करना हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। बस आपको बीजीय व्यंजक के अगर गुणा करना सीखना तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको हम वादा करते हैं आप गुणा करना सीख जाओगे, बिल्कुल एक सेकंड में सिखा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस बताने में टाइम लगता है। आप लोग एक बार सीख जाओगे तो फिर आप हट से कर दोगे सेकेंड में। आपको जी कोई भी क्लास में पढ़ते हो, ए से ए टू जेड, मतलब कोई भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे 5 में, चाहे 6 में, 7, 8, 6, 7 वाले तो जरूर देख रहे हैं, 8 में, 9 में वाले जरूर देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस 9वीं में पढ़ता हो उसके उनके क्लास में तो है ही हैं जी। आप 8वीं में भी हैं और नहीं है कौन क्लास में, ठीक है, आपकी 8वीं से ही आ जाती जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनकी गुणा करना आना चाहिए। वैसे तो 7 में भी हैं, कुछ हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं है। आपको जी इनके गुणा करना सीखना, तो भैया सबसे पहले इनको बीजीय व्यंजक बोल दो चाहे बहुपद भी बोल दो, ठीक है। आपकी बीजीय व्यंजक कक्षा 8वीं में है, ठीक है, आप 8वीं पढ़ोगे अगर 8वीं पढ़ते हो तो, और नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सबसे पहले इसमें देखो यार क्या दिख रहा है आपको, इस यहाँ पर जब कुछ ना हो तो यहाँ पर गुणा का होता है चिन्ह, इंटू बिंदी से रहती तो गुणा ही रहता। तो यहाँ पर आपको इनको गुणा करना सिंपल सा कुछ नहीं करना, 5 + 1 जिनके तो लगते ना, फिर आपको 6 + 1 लिख देना, ठीक है। यहाँ पर गुणा है, ठीक है, गुणा है। तो आपको एक बार क्या करना, 5 का गुणा इसमें करना, ठीक है। 5 का गुणा किस में करोगे, 5 का गुणा इस वाले दोनों पदों का एक दे हम गुणा करें, इस वाले दोनों पदों का एक दे हम इसमें गुणा करेंगे, फिर एक बार इसका करेंगे दूसरे इस बार का, सॉरी इसका नहीं करें, अभी हम आपको क्या करते हैं 5 गुणा इसमें किया पूरे डब्बा में करेंगे, 5 गुणा इस वाले पूरे डब्बा में कर दिया, 5 गुणा क्या करेंगे 6 + 5 का गुणा हमने इसमें कर दिया, फिर आपको इसका प्लस लगाने लगा दिया जी वाला प्लस, और फिर आपको एक्स का गुणा भी इस पूरे डब्बा में कर देना, एक्स गुणा क्या करोगे 6 + का पूरा वाला डब्बा, मतलब इस वाले डब्बा में दोनों डब्बों में अलग अलग गुणा कर दिए। एक बार इस डब्बा में 5 का कर दिया तो जी 5 का लिख दिया, गुणा के रूप में लिखा किया नहीं, अभी एक्स का एक देश में गुणा कर दिया, अलग अलग करेंगे तो बिल्कुल सरल होगा, ठीक है। एक बार 5 का आपको इसमें पूरे में कर दिया, एक दे एक्स को कर देना, बीच में प्लस था तो बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। या जो समझ लो कि एक दे पूरे डब्बा की में गुणा कर दो, या एक दे में जो में गुणा कर दो, दोनों में कर दो एक एक दे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 को गुणा आपका इसमें कर देना, 5 का कितना होता है 30, 5 का 30, और 5 को गुणा आप इसमें अगले वाले 5 एकम 32 के आगे प्लस था, प्लस 5 एकम 5 एक्स, एक्स जाएंगे तो लगा देना 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा में कुछ नहीं होता तो एक रहता है, इसलिए 5 एकम 5 एक्स जाएंगे तो प्लस। अब x का आप इसमें गुणा करोगे तो x इधर गुणा में कुछ नहीं तो एक 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 6 का 6, और x पीछे जाएंगे तो 6x हो जाएगा, 6 एकम 6x हो जाता है, ठीक है, प्लस। फिर आप प्लस लगाओगे x का गुणा, फिर x में करोगे, और चर राशि के गुणा होते हैं, चर राशि के गुणा कैसे होते हैं, अगर चर समान हो तो गुणा में घाते क्या होते हैं जुड़े, ये तो एक घात इधर एक के चर समान है, एक जैसे चर तो गुणा में घाते एक एक जुड़ जाएंगे तो जाएंगे, तो एक चर की घाते थे एक घाते की थी एक घाते की, दोनों चर समान है घाते जुड़ जाएंगे गुणा में, और चर समान हो तो गुणा में घाते हैं जुड़ते हैं, तो एक चर की घाते थे एक चर की घाते थे, तो कुछ घात ना हो तो एक होती हैं, जैसे घात ना चढ़ी हो तो एक एक होती हैं, तो इनकी गुणा होगी तो घाते जुड़ जाएंगे, एक एक कितनी घाते हैं गुणा में घाते जुड़ेंगे एक एक कितने होंगे दो। अब भैया चार वे ही जुड़ेंगे जो समान होंगे, तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी है, जो चार समान है इनकी घातें भी समान है, एक एक घात है, तो इन चार समान हो और घातें भी समान हो, तो चार समान हो और घातें भी समान हो तो उनके गुणांक जुड़ जाएंगे, तो इनके चार समान है घातें भी समान है तो इनके गुणांक जुड़ जाएंगे, गुणांक कहलाती है संख्या, तो गुणांक क्या कहलाती है संख्या, तो 6 5 जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे गुणांक जोड़ दिए 11, और एक्स आपको चार जाएंगे कितने लिख देना 11x + x² और अब इसमें कोई नहीं जुड़ा, कोई एक सा नहीं है जी, 30 31 अचर घाई इसमें कोई है ही नहीं है, ठीक है, और ये पूरा चर का पद ये भी चर है, ठीक है। तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, आपको इसका गुणा करके कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।